दोस्तों, अगर जो मैं आपको बोलूं कि आपको जस्ट एक स्वाप है उसका नाम बताना है और उसके बदले आपको $100, $50, $150 या फिर $200 की अर्निंग हो जाए सिर्फ नाम सजेस्ट करने का, तो आपको कैसा लगेगा? तो जबरदस्त वीडियो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप नेम टाइप करके अर्निंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ऑटम नेमिंग कॉन्टेस्ट यानी कि यहाँ पे नेमिंग का कॉन्टेस्ट चलता है एंड उस कॉन्टेस्ट में आपको जस्ट अपने नेम को सजेस्ट करना है। अब कॉन्टेस्ट किस तरह होता है, जैसे कि मेरे को एक शॉप खोलना है तो मैं इस वेबसाइट पे आऊंगा एंड $100 का एक कॉन्टेस्ट चलाऊंगा कि आप नेम सजेस्ट करके मुझे दीजिए, जो नेम मुझे सबसे बेस्ट लगेगा उसको मैं $100 देने वाला हूँ। तो 100-200 लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें से एक नाम कोई भी बंदा सेलेक्ट करता है एंड जिस बंदे ने भी उस नेम को यहाँ पे डाला होगा उसको $100 की अर्निंग हो जाएगी। तो इसी तरह लोग $100, $50, $150, $200, $250 और $500 तक का भी नेमिंग कॉन्टेस्ट यहाँ पे चलता है एंड वहां पे आपको जस्ट पार्टिसिपेट करके अर्निंग करना, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लोगो कॉन्टेस्ट भी चलता है एंड लोगो डिजाइनिंग का वर्क भी यहाँ पे आपको करने को मिल जाता है। तो अगर जो आप लोगो डिजाइनिंग करना जानते हैं तो आप उससे भी अर्निंग कर सकते हैं एंड अगर जो दोस्तों आपको लोगो डिजाइनिंग नहीं आता है एंड लोगो कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक फ्री का टूल बताऊंगा जिसका नाम है jobich.com। आप आकर के यहाँ पे कोई भी बिजनेस नेम लिखेंगे यानी कि जिस नाम का आपको लोगो चाहिए वो लिखेंगे एंड उससे रिलेटेड बहुत सारे लोगो ये वेबसाइट क्रिएट करके आपको देने वाली है। इसके बारे में अगर जो आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उस वीडियो में मैंने पूरा कवर किया है कि कैसे आप बाद में जाकर के उस लोगो को थोड़ा बहुत एडिट करना तो एडिट भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इस वेबसाइट पे, आपको लोगो और नेम दोनों मैं बता दूंगा कि कहां से आपको जस्ट क्रिएट करना है। लोगो तो आपको पता चल गया एंड नेम के लिए दोस्तों आप इस वाली वेबसाइट का यूज कर सकते हैं businessnamemaker.com। यहाँ पे आपको आकर के जस्ट अपना बिजनेस राइट करना है और गेट रिस्टार्ट पे क्लिक करके उससे रिलेटेड आप यहाँ पे नेम जनरेट कर सकते हैं एंड उस नेम को आप इस वेबसाइट पे डाल करके अर्निंग कर सकते हैं। थर्ड जो अर्निंग मेथड है दोस्तों वो है आपका गूगल जेमिनी का भी यूज कर सकते हैं नेम राइट करने के लिए। जैसे कि मुझे फिटनेस से रिलेटेड एक शॉप ओपन करना है एंड उससे रिलेटेड मुझे कुछ नाम सजेस्ट करवाना है, ठीक है। तो इस पे आपको सेम प्रॉम्प्ट डाल देना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फिटनेस शॉप बेस्ट नेम इन USA, तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक कर देते हैं एंड USA के लिए यहाँ पे जितने भी बेस्ट नेम होंगे फिटनेस शॉप से रिलेटेड वो हमको ये वेबसाइट सजेस्ट करके देने वाली है एंड यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सजेशन इसने हमको दिया कि आप यहाँ पे टारगेट ऑडियंस के हिसाब से अपना नाम डालना चाहते हैं या फिर स्वाप के फोकस के लिए डालना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे टारगेट ऑडियंस के लिए हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आप अपने टारगेट ऑडियंस के लिए यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जैसे ही योर टारगेट ऑडियंस यहाँ पे पेस्ट किया देख सकते हैं उससे रिलेटेड कुछ नाम यहाँ पे आ गए। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे फिटनेस से रिलेटेड एक नाम यहाँ पे है एंड सेकंड जो नाम है वो बिगिनर्स है, थर्ड नाम यहाँ पे देख सकते हैं बिजी प्रोफेशनल है, फोर्थ नाम यहाँ पे देख सकते हैं बजट माइंडेड फिटनेस सीकर्स है। तो इन चारों नामों में से जो बेस्ट नाम है उसी को आप यहाँ पे अपने नेमिंग कॉन्टेस्ट में लगा सकते हैं। उसके अलावा ये वेबसाइट है यहाँ पे भी सेम चीज आपको करना है, आपको यही वाला कीवर्ड यहाँ पे भी सर्च कर लेना है। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाएंगे एंड यही चीज पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने के बाद गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना, आपको ये वेबसाइट भी एक नाम सजेस्ट करके देने वाली है। तो फिर आज हम इस पे अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको इस वेबसाइट के बारे में अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है, कि इस वेबसाइट पे आपको काम कैसे करना है। वैसे तो आपको जस्ट गूगल में सर्च करना पड़ेगा atom.com या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक देने की कोशिश करूंगा, उस पे आप क्लिक करके भी आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, उसके लिए यहाँ पे जो प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक कर देना एंड साइन अप का जो ऑप्शन इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इनका जो साइन अप वाला फॉर्म होगा वो ओपन हो जाएगा और उसी फॉर्म को आप फिल करके यहाँ पे काम करना शुरू कर सकते हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों और आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपना नाम डाल देना, आप अपना नाम डालेंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, देन यहाँ पे आपको अपना एक डिस्प्ले नेम डाल देना। तो डिस्प्ले नेम में मैं अपने चैनल का नाम डालूंगा, कंपनी नेम आपका ऑप्शनल है इसको छोड़ भी सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कंपनी नेम में भी आप अपना डिस्प्ले नेम डाल सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास कंपनी हो तभी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है, तो ईमेल एड्रेस हम यहाँ से अपना कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद वही ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है।
यहाँ पे हम अपने ईमेल एड्रेस को डाल देते हैं, देन यहाँ पे आपको एक पासवर्ड डाल देना, पासवर्ड को डाल करके कंफर्म कर देना है। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ज्वाइन एज ए बायर आपको कभी नहीं सेलेक्ट करना है, ज्वाइन एज ए क्रिएटिव और मार्केट प्लेस सेलर ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे इसको आपको अलाउ रखना है एंड आई एग्री टर्म एंड कंडीशन का आपसे इस पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों क्रिएट माई अकाउंट का जो आपसे इस पे क्लिक कर देना है, या फिर आपको यहाँ पे नीचे एक साइन अप विद गूगल का भी ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करके भी आप अपना अकाउंट जो है वो साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू विद गूगल पे अगर जो आप क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा, और अगर जो दोस्तों आप वहाँ पे अपना जीमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल करके अकाउंट बनाएंगे तो आपको एक दो ऑप्शन और फिल करना पड़ेगा, तब यहाँ पे आप इसके डैशबोर्ड पे पहुंचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर्विस का। ठीक है, सर्विस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक अप्लाई फॉर सर्विस का ऑप्शन इस पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे दोस्तों आप अपने डोमेन के लिए यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन इस पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पे डोमेन लोगो मार्केट प्लेस जो है उसमें आपका नाम आ जाएगा एंड वहां से दोस्तों आप काम करके अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या करते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए पहले एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, यानी कि गिग्स तैयार करते हैं। अगर जो आपको फ्रीलांसिंग कोई काम करना है तो सेम चीजें आपको यहाँ पे भी करना, आपको एक गिग्स तैयार करना है। गिग्स तैयार करने के बाद आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे एक कॉन्टेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका टोटल कॉन्टेस्ट दिखाई देगा। मैं आपको भी एक एक ऑप्शन ओपन करके दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको विनर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे विनर वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ पे रिसेंट विनर पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो पिछले विनर है यानी कि जिन जिन लोगों का यहाँ पे नेम और लोगो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट हुआ है, सिलेक्ट हुआ है, उनका नाम यहाँ पे दिखाई देने वाला है एंड यहाँ पे देख सकते हैं उन लोगों ने कितना कितना अर्न किया है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 14 जनवरी को इस बंदे को $200 की अर्निंग हुई थी एक नाम के बदले। यहाँ पे देख सकते हैं 14 जनवरी को इस बंदे को $200 की अर्निंग हुई थी, 13 जनवरी को $225 की अर्निंग एंड यहाँ पे देख सकते हैं $13 को $200, $13 को $135, 13 जनवरी को ही, सॉरी यहाँ पे $13 मुझे बोलना था एंड यहाँ पे देख सकते हैं 13 जनवरी को ही $2500 की अर्निंग हुई थी इस वाले बंदे को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही जबरदस्त अर्निंग आपको होती है। आपको यहाँ पे मैंने बोला है कि $100 $50 तक से लेकर के $1,000-$2,000 तक की अर्निंग हो सकती है एक एक नाम के बदले। जितना बड़ा कंपनी होगा उतना बड़ा आपको यहाँ पे अमाउंट मिलने वाला है। अब यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कॉन्टेस्ट में कैसे अप्लाई करना वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए एक बार आना है, यहाँ पे आपको एक कॉन्टेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। विनर में आप दूसरे वाले ऑप्शन पे भी जा सकते हैं कि मतलब सिलेक्ट बाय ऑटम्स टाइप से कौन सा सिलेक्ट हुआ वो देखना चाहते हैं देख सकते हैं, लेदर बोर्ड कॉन्टेस्ट कौन सा हुआ है वो देख सकते हैं, मतलब सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मैं आपको डायरेक्ट काम की बात बताता हूँ। आपको कॉन्टेस्ट वाले ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ पे आपको माय कॉन्टेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा एंड यहाँ पे माय कॉन्टेस्ट सबमिशन का ऑप्शन दिखाई देगा एंड यहाँ पे आपको एक एक्टिव कॉन्टेस्ट का ऑप्शन दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्टिव कॉन्टेस्ट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा कॉन्टेस्ट यहाँ पे एक्टिव है। तो देख सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे यहाँ पे 15 कॉन्टेस्ट एक्टिव है। जब आप यहाँ पे अकाउंट बना करके आएंगे तो हो सकता है 15 के जगह पे 50 भी हो सकते हैं या फिर 10-12 भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई यहाँ पे गारंटी नहीं है क्योंकि जितना कॉन्टेस्ट इस वेबसाइट पे आएगा उतना ज्यादा आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये $100 का एक कॉन्टेस्ट है, इसमें 332 लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, 4 दिन और बचा है, आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गारंटीड प्राइज है यानी कि आपको यहाँ पे प्राइज मिलने वाले ही है। ठीक है, हर हाल में मिलेंगे एंड ये देख सकते हैं ये क्लोज हो गया, ये भी देख सकते हैं क्लोज हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी क्लोज हो गया, यहाँ ऊपर वाला जो है ये अभी क्लोज नहीं हुआ है एंड इनमें जाकर के आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या नाम सजेस्ट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको जस्ट इस पे क्लिक कर देना, जिस भी कॉन्टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है उस पे क्लिक कर देना एंड उसका डिस्क्रिप्शन आप एक बार रीड कर लेंगे। ठीक है, कि वो किस प्रोडक्ट के बारे में नाम चाहता है एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि फैक्ट्स क्या है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अप्लाई करने से पहले दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको यहाँ पे $10 सबसे पहले इस वेबसाइट को देने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर जो कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो नेम वाले, ठीक है, क्योंकि इस वेबसाइट का सीधा कहना है कि भाई आप यहाँ पे अगर जो सीरियस है काम को लेकर के तभी आप यहाँ पे काम कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे काम मत कीजिए। तो आपको यहाँ पे $10 इस वेबसाइट को पे करना पड़ेगा। जितनी भी नेमिंग कॉन्टेस्ट वाली वेबसाइट है वो नेमिंग कॉन्टेस्ट के लिए $10 पहले चार्ज करती है, $10 से भी ज्यादा चार्ज करती है, कोई कोई वेबसाइट ऐसी भी है
तो वो जब $10 आप दे देते हैं तब इनको लगता है कि भाई आप सीरियस है काम करने के लिए, नहीं तो आप खुद सोचिए कि अगर जो ये लोग $10 ना चार्ज करें तो मेरा वीडियो देखने के बाद 100 लोगों ने अगर जो देखा तो 100 के 100 लोग जाएंगे और इस वेबसाइट पे अपना नाम जो है एक आध बार तो सजेस्ट करने वाले ही हैं, तो पूरा कचड़ा कर देंगे इस वेबसाइट को, इसीलिए ये लोग $10 चार्ज करते हैं। लेकिन अगर जो आप यहाँ पे लोगों का काम करना चाहते हैं तो आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है, फ्री में आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आपको यहाँ पे नेमिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है तो आपको $10 इस वेबसाइट को पे करने पड़ेंगे, उसी के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा एंड वहीं से दोस्तों आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट है, यहाँ पे काम करना आपको तो आप इस वेबसाइट को $10 दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। $10 का मतलब हुआ दोस्तों 800 रुपए, ठीक है, 800 रुपए आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपको माई डैशबोर्ड पे आ जाना है, यहाँ पे जैसे ही आप माई डैशबोर्ड पे आएंगे यहाँ पे आपका टोटल ओवरऑल रेवेन्यू दिखाई देगा, यहाँ पे आपको दिस मंथ का रेवेन्यू दिखाएगा एंड यहीं से आप यहाँ पे विड्रॉ भी ले सकते हैं। विड्रॉ लेने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे माई अर्निंग पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका टोटल अर्निंग दिखाई देने वाला, जो भी आप अर्न किए होंगे उसका पूरा डाटा यहाँ पे दिखाई देगा। एंड यहाँ पे दोस्तों दोबारा आपको यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे नीचे माई पे आउट का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जितना पे आउट होगा वो यहाँ पे दिखाई देने वाला, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मेरा अभी कोई भी पे आउट नहीं हुआ है तो यहाँ पे अभी 0-0 दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे बिलिंग हिस्ट्री के ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बिलिंग हिस्ट्री दिखाई देने वाला है। एंड यहाँ पे फिर से नीचे आएंगे, मैं आपको एक एक प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका एड फंड का ऑप्शन, इस पे क्लिक करके आप अपने फंड को एड कर सकते हैं। यहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, ऐड फंड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप $10 अपना ऐड करके अपना जो भी काम है, यानी कि ये जो नेमिंग कॉन्टेस्ट वाला ऑप्शन है ये आप ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर जो आपको अपना पेमेंट डिटेल फिल करना है तो आपको जस्ट यहाँ पे अकाउंट डिटेल का जो ऑप्शन, इस पे क्लिक करके आपको इस वाले पेज पे आ जाना है एंड यहाँ पे दोस्तों ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन, इस पे क्लिक करके आप अपना पेमेंट मेथड जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे पेनीर, पेपाल एंड बैंक ट्रांसफर तीन तरह से विड्रॉ ले सकते हैं। आपको जस्ट यहाँ पे पेपाल में लेना तो पेपाल सेलेक्ट करेंगे, पेनीर में लेना तो पेनीर सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे दोस्तों आपको अपना एड्रेस डिटेल सब कुछ फिल करके आप अपना काम करना शुरू कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को जो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।